एग्रेशन मत फैलाइए, और भाइयों के ऊपर धक्का मत फैलाइए, सीधी सी बात ये सारे लोग काम करेंगे। हमारे इस बात को हम सभी मौजूद है जितनी कुर्सी है वो कुर्सी को छोड़ करके जो भी हमारे बुजुर्ग हमारे भाई अगर मंच में है तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा जितनी कुर्सी है उसके अलावा आने वाले पहुंचने के साथ एक बहुत बड़ी टीम है जो आएगी प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश है कि मंच में जो कुर्सियां लगी है उसके अलावा जो लोग खड़े हैं फिर भी अपना उचित सभी कलाकार उपस्थित रूप से आए हैं, सब जहां जगह मिले कुर्सियों पे मंचों पे आप पवन जी खातिर बैठ जाइए। संतोष भैया ने अपील किया, दीपक सिंह जी ने अपील किया, यहाँ कलाकार शांति व्यवस्था बनाए और प्रशासन को सहयोग करने के लिए दोनों हाथों पर उठा करके जोरदार ताली बजाइए। पूरी देश में मीडिया आपको देख रही है, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, पूरा बिहार आपको देख रहा है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन अब मैं संतोष भैया से अनुरोध करूंगा जो स्थानीय वक्ता है, एक तो वक्ताओं को आप मंगवाए, इसके बाद कार्यक्रम चलेगा। जो उसने उतना डांस नहीं करना है, बस सभ्यता के साथ जो वोट मांगने और उनमें आई है विजय चौहान हो, तमाम कलाकार हो, वो सैनिकता के साथ कार्य पवन सिंह के लिए वोट मांगेंगे। आप तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई कीजिए। उनकी माँ बैठी है, पवन सिंह की ताकत बैठी है, गोपाल राय बैठे हैं। आप सबसे प्रार्थना, पवन सिंह जी ने संदेश भिजवाया है, उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल सहयोग के साथ हमारे मन करके पहुंच रहे हैं, चंद्रा हमारे लिए ऊर्जा बचा के रखे है, इसलिए आप सबसे प्रार्थना है। जो है कि स्टेज पे आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं वो सभी लोग जो है कि हाथ जोड़ के दर्शकों से माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि प्लीज़ बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए, इस टाइप से बोलते हुए दिख रहे होंगे। पता है ये लोग
किस लिए जो है कि ये सब बोल रहे हैं और हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि एक प्रशासन एक पुलिस स्टेज पे चढ़ के और कहने लगे दर्शकों से कि आप सब स्टेज से 15 फीट के दूरी पर जो है कि खड़े होइए चाहे वहाँ बैठिए, बट स्टेज के बगल तक जो है कि ना बैठिए, ये बात है। लेकिन पब्लिक कहाँ मानने वाला है, पब्लिक थोड़ी मतलब 15 फीट दूरी बनाएगा, बताइए। इतने सारे कलाकार आए हुए थे, इतने बड़े बड़े, तो क्या हुआ कि पब्लिक तो माने नहीं। वो जो पुलिस थे अपने आप को खूब दिखा रहे थे, नहीं माने पुलिस का बात, तो पुलिस क्या किए कि डंडा चलाने लगे पब्लिक के ऊपर, डायरेक्ट डंडा। अकेले थे वो पुलिस स्टेज पे और जो है कि डंडा चलाने लगे, तो क्या हुआ कि पब्लिक दर्शक जो है कि कुर्सी पे बैठे हुए थे, कुर्सी था बगल में, कुर्सी उठा के बोतल था पानी वाला, वो पानी वाला बोतल पत्थर उत्थर सब चलाने लगे पुलिस के ऊपर, बताइए। चाहे स्टेज पे जितने भी लोग थे सब कोई को जो है कि लगने लगा और इससे माहौल मतलब खराब हो गया। तो यहीं जितने भी स्टेज पे लोग थे वो सारे लोग हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे कि प्लीज प्लीज रहने दीजिए, अब प्रशासन नहीं मारेंगे, नहीं इस टाइप से करेंगे, प्लीज प्रशासन यहाँ से चले जा रहे हैं, हम लोग भेज दिए। तो पब्लिक बाद में जाके माने और शांत बैठे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी जय बिहार।